हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक वॉच कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने लिए हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का जो चैप्टर है क्लास टेंथ का। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो चलो इन्हें डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई डिफाइन करनी होगी और इसकी एक डायग्राम भी आपको बनानी होगी, मतलब इसके पार्ट्स भी आपको डिफाइन करनी होगी, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मायोपिया। तो आपको मायोपिया पता होना चाहिए और ये कैसे करेक्ट होता है, एक कॉनकेव लेंस लगाने से करेक्ट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आई डिफेक्ट होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए सभी। और ये कैसे करेक्ट होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट पता होना चाहिए। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई सन लुक्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, आपको पता होना चाहिए। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते, तो ये आपको बताना है, मतलब ये फिनोमेना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब ये इसकी आपको डेफिनेशन देनी होगी। टेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है। एलेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ ए नॉर्मल विजन। तो जो फार पॉइंट है वो इन्फिनाइट है, क्योंकि हम मतलब दूर तक देख सकते हैं, जैसे मून भी देखते हैं, सन भी देखते हैं। और जो नियर पॉइंट है नॉर्मल आई के लिए वो है 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं ऐसे। एंड द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट किस पे बनती है इमेज, तो ये रेटना पे बनती है इमेज, रेटना। डेंजर सिग्नल आर रेड, वाई डेंजर सिग्नल जो है वो रेड होते हैं, क्यों। 14th क्वेश्चन, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना मतलब स्पेस में, उनको ब्लू क्यों नहीं दिखता स्काई, ब्लैक क्यों दिखता है, तो ये इसका आपको फेनोमेना पता होना चाहिए। तो अगर आपके ये क्वेश्चंस क्लियर है ना, तो आपका जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है वो चैप्टर आपका क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।